नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया। आप देख रहे हैं संजय सरवरिया समाचार। खबरों की शुरुआत में बात करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की, जो कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई है। जनपद सदस्य का नामांकन दाखिल करने वाले एक प्रत्याशी के ऊपर हमला हो गया है। जी हां, पथरिया थाना अंतर्गत नौरुमारा में रोक कर यह हमला हुआ है। तीन हमलावरों ने यह हमला किया है, जिसमें एक व्यक्ति का हाथ टूट गया है। लूट भी की गई है, 5,000 रुपये से अधिक की राशि लूट ली गई है। जरूरी कागजात भी लूटे गए। बुरी तरह से मारपीट की गई। देर रात की यह घटना बताई जा रही है। कांग्रेस नेता गौरव पटेल घायलों को लेकर पथरिया पहुंचे, जहां उनका उपचार कराया गया। कांग्रेस नेता का यह भी आरोप है कि जानबूझकर सदस्यों को परेशान किया जा रहा है, कुछ लोगों को नूडल्स नहीं दिया जा रहा है, तो कुछ लोगों के साथ इसी तरह से डराने धमकाने का प्रयास हो रहा है। पंचायत चुनाव में खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। हमलावरों ने हमला किया है, प्रत्याशी के ऊपर हमला किया है। नामांकन दाखिल किया था खिलान अहरवाल, इनका नाम बताया जा रहा है, जो सिमरी सीतानगर के रहने वाले हैं। उनके साथ एक अन्य साथी था, उसके ऊपर भी हमला किया गया है। घायलों को देर रात दमोह जिला अस्पताल में दाखिल करा दिया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। आइए जानते हैं क्या पूरा मामला है। नाम है आपका? शेखलाल। शेखलाल, कहां के रहने वाले हो? सिमरी सीतानगर। क्या हो गया आपको? रास्ता में हम आ रहे थे पथरिया, फॉर्म डालने गए थे, मतलब तो वहाँ से वो एन ओ सी लेके हम लोगों को 9 बजे प्राप्त हुई। वहाँ से चले थे रास्ते में नौरुमारा के पास, कोई अज्ञात आदमी आया, 300 लोग थे, तो अचानक शेर ने बस लाठी से हमला किया। डॉक्यूमेंट्स थे, कागजात, एन ओ सी वगैरह सारे ले गए, 2 मोबाइल ले गए, और 5,000 रुपया था, इतना सामान भी ले गए। हम 2 लोग खिलान अहरवाल काय का फॉर्म डालने गए थे। अब तो किसने मारा है जानते हैं आप? नहीं जानते नहीं, मुंह पर कपड़ा बांधा है। कहाँ की घटना है ये? घटना है मारा के पास। क्या नाम है आपका? खिलान अहरवाल। कहाँ के रहने वाले? सिमरी सीतानगर। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? पथरिया से जनपद सदस्य का फार्म भर के एन ओ सी दे के पथरिया से घर आ रहे थे, दमोह से, दमोह पर मतलब अपने बनवासी के खिलाफ। और नौरुमारा के बीच में अज्ञात लोगों ने अचानक हमला कर दिया। जानते हैं आप कौन? नहीं जानते तो नहीं। कहाँ की घटना है? अब वो शक तो है, लेकिन शक के तौर पर किसी को लिखा भी नहीं सकते अपन, या कोई शक के तौर पर जैसे अपन स्पष्ट कर लेंगे उसके बाद लिखा नहीं तो अच्छा रहेगा। कितने लोग थे आप? वो 3 लोग थे। आप लोग कितने लोगों को मारे? 2 लोग। क्या नाम है उनका? शेखलाल अहरवाल, दत्तू अहरवाल। लोकतंत्र में सभी लोगों को आज़ादी है चुनाव लड़ने की। ऐसे में जो लोग अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं, जनपद सदस्य के रूप में नामांकन दाखिल करने जाते हैं, उनके साथ लूट हो जाती है, मारपीट हो जाती है, और पुलिस की स्थिति सांप निकल जाने के बाद लकीर पीटे जैसी नजर आ रही। देखने लायक होगा इस मामले में कब तक आरोपी पकड़े जाते हैं, क्योंकि मामला त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से जुड़ा हुआ है। ये शुरुआत है, इसके पूर्व ही एक हमले की घटना सामने आ चुकी है। पुलिस कब तक क्या कार्रवाई करेगी, ये देखने लायक होगा। जल्द ही मिलते हैं अपनी अगली खबर के साथ, तो देखते रहिए संजय सरवरिया समाचार। नमस्कार। संजय सरवरिया समाचार।